पति के राज से बेटा के राज में ज्यादा फल आता है। इतना भयंकर सात लगभग 7 साल पर लगता है शनिवार रविवार वाला जो व्रत है। जो है ना शनिवार को नहाय खाए रविवार को उपवास जो किया जाता है और हत्या नक्षत्र में जो रहता है तो इसको खरजितिया कहा जाता है। तो कहता है यह व्रत जो माँ करती है हर काल के मुँह से भगवान उसके बच्चे का रक्षा करता है। अब जो है समय हो चुका है डाला को उघाड़ने का। हर साल जो है हमार मोनू उघाड़ा करती थी डाला को और इस बार क्रियांश है, मोनू तो नहीं है तो इस बार क्रियांश ही उघाड़ेगा। चलो ये हो गया इसका। अरे हाय हाय हो गया, हो गया क्रियांश। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। जितिया की हो गई सारी खरीदारी और आज जो है जितिया का डाला भरा जाएगा। माँ गई हुई नहाने तो जल्दी से नहा करके आएगी, फिर जो है आगे पूजा की प्रक्रिया शुरू होगी। माँ नहा करके उधर गई हुई है पूजा करने और इधर जो है जिया क्या कर रही है। जिया अरे फल को धो रही है जिसको डाला में चढ़ाया जाएगा। तो जिन्होंने भी जितिया का पिछला व्लॉग नहीं देखा होगा जी आप लोग देख लीजिएगा, और जिनको भी जितिया के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको लगभग सब कुछ पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। तो माँ का पूजा हो गया है जी शुरू, और इस बार का जो व्रत है थोड़ा ज्यादा लंबा समय का रहेगा। कितने देर लगता है जो ज्यादा लंबा है? पिछले साल भी जो हम लोग किए थे ना 4:30 के बाद पारण था। अच्छा, इस बार भी 4:39 में है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। उसे फिर भी कितने घंटे का है इस बार? 36 घंटा हो गया इस बार, 36 घंटे का है उपवास। पिछले बार भी था, मोनू मेरा छोटा बेटा था वह जब मेरे गर्भ में था उस बार भी 4:15 पारण लगा था। अच्छा, तो इसी तरह का था। कितना कितना बार हम लोग करते, इतना भयंकर सात लगभग 7 साल पर लगता है शनिवार रविवार वाला जो व्रत है। जो है ना शनिवार को नहाय खाए रविवार को उपवास जो किया जाता है और हत्या नक्षत्र में जो रहता है इसको खरजितिया कहा जाता है। तो कहता है यह व्रत जो माँ करती है हर काल के मुंह से भगवान उसके बच्चे का रक्षा करता है। अच्छा, यही इसका खासियत है। जो लड़की पहला उठाएगी, लड़की ने जो माँ तो यही जितिया उठाएगी। अच्छा, तुम कर रही है हमारी बात, जिया उठाएगी। जिया इसलिए नहीं कर, उसको ऑपरेशन से संतान हुआ है। अभी हम जो कर रहे हैं तो हम तो सबके लिए कर रहे हैं, बेटा पोता सबके लिए, 1-2 साल बाद करेंगे। तो जिया यहाँ पर लेती आई है पूजा के लिए पीढ़िया, इसको धो दी ठीक है। क्रियांश नीचे खेल रहा है बाबा के साथ, हम जो गए आते आते यहाँ तक आई चुपचाप। उसको लगभग 2.5 घंटा हम टांग के रखे हैं। अभी सोता था बेड पे रखते थे फिर उड़ जाता था। माँ की पूजा हो गई और यहाँ पर जो है जितना फल है सभी को धुल के रखा जा चुका है। माँ के पैर में अभी लगाया जा रहा है अलता। भगवान सुहागन रखे हैं तो गुरु को सौभाग्य है लगाने का। तो माँ को होगी अलता लगाया हुआ, अब सारे फल को लेकर वहाँ जाया जा रहा है। हम भी लेकर के चलते हैं इसको। ये भी ले लो डाला। डाला जब बाजार से खरीद के आता है तो वह अखरा हुआ ना, तो इसमें हम लोग सिंदूर लगा देते हैं क्योंकि सिंदूर जो है वो सौभाग्य का प्रतीक है। अच्छा। और किसी भी शुभ काम से पहले सिंदूर लगाया जाता है, इसलिए डाला में सिंदूर लगाया गया और हम लोग सभी काम के पहले सिंदूर। यह है जी हरा मटर, इसको डाला जा रहा है वहाँ पर। जिस औरत को संतान नहीं होता है जितिया का चढ़ाया हुआ मटर और छठ के डाला पर जो चढ़ता है वह मटर दिया जाता है। तो हम लोग के कथा के अनुसार, दंत कथा समझो या किसी बड़े बुजुर्ग का कहा हुआ समझो या पुराण में होगा, तो उसको संतान की प्राप्ति होती है, भगवान की दया हो जाती है। वो देखते हैं तिया और जो छठ होता है उसका सब पे मटर लेती है। खास करके जो भी मैरिड रहती है सबको दिया जाता है, अनमैरिड लड़की खास करके दिया जाता है। अच्छा, जिसको नहीं होता उस प्रसाद सबको दिया जाता है। पति के राज से बेटा के राज में ज्यादा फल आता है। तो मेरा भाग्य है, भगवान करे लोग को इतना आगे बढ़ाइए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पोता कैसे ज्यादा है? भगवान आपसे ही प्रार्थना है, हर माँ मेरे तरह ही आशा लगा के बैठी है, सबको जुड़ाइए साथ में हमको भी रखिए। किताब ले लो। माँ नारियल दी है क्या? उसको धोई उसके हाथ में बस पकड़ा देना है पत्ता, उसे उगाड़ देगा। पान का पत्ता सुपारी, ये जी पान का पत्ता और सुपारी भी पूजा में शुभ माना जाता है। पान का पत्ता और सुपारी के बिना पूजा हो ही नहीं। हाँ जी, तो आप ऐसे बहुत लोग पूछते भी हैं कि जितिया कैसे किया जाता है और जितिया में कौन कौन सा फल सब चढ़ाया जाता है। जितना फल आप दे सकती सब फल दिया जाता है। कम से कम 5 फल जरूर सोचते हैं कि रहे इसमें। मिठाई ला। 5 फल के अलावा हम लोग, वो आपकी इच्छा है कि आप
आप रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते? पांच तो शुभ माना गया हर चीज में ना, इसको भगवान जितना हैसियत दिया है उतना लोग देता है, नहीं तो कहा जाता है पान नहीं तो पान का डंटी लेके भी लोग पर्व करता है। सही बात है, वो भी होता है। भगवान के घर में हाथ जोड़ लीजिए वो भी पूजा है, भगवान दिया है तो जैसे पूजा और प्रसाद चढ़ाई। बांस का पत्ता, ये रहा जी बांस का पत्ता। बांस का पत्ता दिया जाता है, बांस बहुत ज्यादा फैलता है तो इसलिए बांस का पत्ता जो है वह वंश का प्रतीक है, इसलिए दिया जाता है मेरा वंश बढ़े। अच्छा। जियल जो है इतना होता है यह, जो कि कितना भी इसको पड़े, वर्षा पड़े, पानी पड़े, कुछ भी पड़े, यह जल्दी सूखता नहीं, सूखता नहीं। इसी तरह अजर अमर लोग अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। आज में जितिया के पर्व में निर्जला उपास में संसार के सभी माता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, पुत्र क्षति ईश्वर किसी को नहीं दीजिए ना सुहाग क्षति, क्योंकि सहने लायक मैं अपने लिए बाद में पूजा करी, पहले मैं सबूर्ण समाज के लिए करी और साथ में अपने मांग का पत्ता साथ। हर औरत को जितिया तीज और छठ नसीब। ये मांग का पत्ता क्यों होता है? मांग का पत्ता का हम वो नहीं जानते, लेकिन हमको लगता है कि विशाल पत्ता होता है, लगता है कि हमारा जो रिलेशन है हमको मेरा अपना समझ है या अनुभव है, मांग का पत्ता विशाल होता है, जहाँ तहाँ यह पसर जाता है, इसलिए हमको लगता है इसका यह प्रतीक है। इसी तरह मेरा भी परिवार एक दूसरे से पूरा पसर जाए, सब उसको जाने, मांग का पत्ता जिसे पसरता है उसी तरह उसका इज्जत प्रतिष्ठा सब चीज इससे इसको ढका जाता है। इससे अब इसको ढका जा रहा है। कोई नया कपड़ा नहीं है? होगा, कोई नया कपड़ा है तो उसको, या चुंदरी कोई चीज। एक कपड़ा मिल गया, अखंड मिलेगा तो गमछा था ना मेरा तीज वाला है। अब यही देखो लाई ना, ये तो ऐसे देते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन नियम है कि मान का पत्ता से ढका है। लेकिन उससे पूरा ढक नहीं रहा, इसीलिए सुरक्षा के लिए तो अखंड वस्त्र है। प्रणाम कीजिए सब आदमी। इसी तरह मेरे घर में जितिया होते रहे, हम लोग ईश्वर का भक्ति करते रहे। The next day. शाम के हो गए जी पुणे पांच के करीब, और अब जो है समय हो चुका है डाला को उघाड़ने का। हर साल जो है हमारे मोनू उघाड़ा करती थी डाला को, और इस बार क्रियांश है, मोनू तो नहीं है, तो इस बार क्रियांश ही उघाड़ेगा। तो इसको गोद में लेकर के जाते हैं, देखते हैं कैसे उघाड़ता है। क्रियांश ये ले लो, पकड़ो, वो दी पकड़ा और पकड़ भी नहीं रहा। चलो ये हो गया इसका। अरे हाय हाय, हो गया, छोड़ दीजिए, हो गया क्रियांश। ये देखो, चलो जय जय कर लो एक बार, जय जय। आज डाला उघाड़ने की इतनी बड़ी खुशी है कि मैं ईश्वर को इतना धन्यवाद करती हूँ कि अगला वंश मेरे घर में आ गया है। अगर उनकी दया रही तो और दूसरा बेटा, तीसरा बेटा सबको आएगा, और संपूर्ण विश्व के लिए हम कल्याण की प्रार्थना करते हैं कि हर माँ इसी तरह खुशी से जितिया मना। तुम्हें प्रणाम कर लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ भी प्रणाम प्रणाम हो गया, कर लिया ये। जे 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 हो गया। इस तरह से जी माँ का जो 36 घंटे का निर्जला उपवास था उसकी समाप्ति हुई, और अब चलते हैं और जितना भी यहाँ प्रसाद है अब सभी को बनाते हैं, फिर वितरण करते हैं। ठीक है, बाद में पहले कर। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सबको कुशल से रहे, फिर अगला बार सबको जितिया मनाए। स्पेशली मैं भगवान को अपना बार धन्यवाद करती हूँ कि मेरे घर में अगला वंश का उन्होंने आशीर्वाद दिया, और हर माँ को पोता का। मटर को बाहर क्यों फेंकी? चिल्हो और सियारो नाम के दो मित्र थे, एक जगह रहती थी, दोनों देखा देखी जीतिया की दूसरे के मुंह से सुनकर। चिल्हो धर्म को मानती थी, उसने उपवास कर लिया, ये चुरा करके खा लिया। अच्छा। तो इसलिए उसको वंश नहीं हुआ, उसको वंश हुआ। तो इसलिए उसको दया हाथ से लोग देता है, कहता है चिल्हो सन के सब को सियारी सन। अच्छा।